हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ट्रेन से। वी आर गोइंग टू भोपाल, आज काम है उसकी वजह से। ब्लॉगिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है, आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस समय हम पहुंचे हैं गंज बसौदा, भोपाल के रूट में पड़ता है ये, और अभी हमें 2 घंटे लगने हैं यहाँ से। दो ढाई घंटे लेट है ट्रेन, बड़ा हैक्टिक होता है जब ट्रेन लेट होती है, आपकी प्लानिंग होती है पूरी फेल हो जाती है। दोनों ट्रेनें साथ साथ चल रही हैं, लगभग स्पीड दोनों ट्रेनों की एक जैसी है। सेम स्पीड में चल रही है दोनों ट्रेनें। काफी देर से एकदम सेम स्पीड में दोनों ट्रेनें चल रही हैं। अभी आपको 2 ट्रेनों का कंपटीशन देखने को मिला, कभी ये आगे कभी वो आगे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कम देखने को मिलता है। ड्राइवर भी खेल कूद करते हैं। ये हमारे ट्रेन के हाई लोग
जिनकी वजह से ट्रेन साफ सुथरी रहती है। हाय कर दो भाई। विदिशा स्टेशन पे है, खाने को कुछ नहीं है, दूर दूर तक सन्नाटा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। है बड़ा स्टेशन लेकिन पता नहीं क्यों नहीं है यहाँ पे। सामने वाले प्लेटफॉर्म पे भी आप देखिए कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो भोपाल पहुँच चुके हैं। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये पूरी यहाँ से वहाँ तक ये हम लोगों की है। इसी को देखने आना था यहाँ पे किस पोजीशन में है। 2-2.5 साल पहले आए थे हम लोग, बट सेम है जैसे 2-2.5 साल पहले था। बाकी एरिया डेवलप कर गया है बहुत, और यहाँ पे बहुत किने चुने घर थे, बट अब भी चारों तरफ नई पूरी बस्ती बन गई है। 2-2.5 साल पहले कुछ नहीं था। सब देखने के बाद वापसी बैक टू प्रयागराज। की मीटिंग हो रही है पीछे, अब रिटर्निंग हो रही है भोपाल से प्रयागराज के लिए। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं प्रयागराज। कौन सा ब्रिज है? कौन सा? पुराने रेलवे ब्रिज पे हैं। इस साइलेंट में रहती है, मैं सब वीडियो बनाता हूँ। पसंद नहीं है क्यों? मुझे गाना पसंद नहीं है। तो पहुंच गए हैं घर। होप आपको ये ट्रैवलिंग ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।